कोरोना के जख्मों से लोग अभी उभरे नहीं थे कि अब कोविड वैक्सीन को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद देश विदेश के स्वास्थ्य विभागों में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद पीएम मोदी और मोदी सरकार भी बड़े संकट में नजर आ रही है। मोदी सरकार पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या खुलासा आया है सामने और कैसे घिर गई मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, नहीं मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए मोदी जी, इन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हम मरना नहीं चाहते, हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, हमें वैक्सीन नहीं लगवानी। भाई साहब बहुत बुरा सपना देखा, ऐसा लगा मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं, सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगा रहे हैं, मुझे भी वैक्सीन लगा रहे हैं, बच्चों तक को वैक्सीन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों की आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। ना कानून कभी उन्हें माफ करेगा ना जनता। इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर न्यायिक जांच हो। अखिलेश यादव के साथ साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर चुकी है। आई है कहीं ना कहीं दर्शाती है, क्योंकि इस वैक्सीन वाली कंपनी से भाजपा के लोगों ने 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया था और कहीं ना कहीं जब चंदा लेने के बाद ही अनुमति दी गई कि हाँ अब सबको वैक्सीन लगाइए। और आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव शहर-शहर में जब हमें सुनने में आता है कि 30 साल के उम्र के बच्चे या 40 साल की उम्र के जो लोग आकस्मिक मृत्यु से मर रहे हैं, जैसे कि उनको दिल का दौरा पड़ जा रहा है या ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन लगाने के ही वजह से अब समझ में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। बता दें कि ब्रिटेन की फार्मेसी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में दिए गए अपने कबूलनामे में वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा बताया है। इस खुलासे से भारत में नई सियासी जंग छिड़ गई है। चुनाव के बीच विपक्ष के तमाम नेता बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इतने बड़े मुद्दे के सामने आने के बाद भी विरोधी बीजेपी को चुनाव में जीत कर पाएंगे या नहीं। नवरात्रि ना समय नी अंदर कितला युवानो गरबा गाता गाता मृत्यु पाम्या, તમને ખબર છે મને ખબર છે, એનો એનાલિસિસ થવું જોઈએ મિત્રો, શા માટે આ ઘટનાઓ બની રહી છે, એવું શું આપણે કરી રહ્યા છે કે જેને કારણે ઘટનાઓ બની રહી છે। હમણાં આજ તો એક 13 વર્ષનો કે 16 વર્ષનો દીકરો ગુજરી ગયો અને તમે એનાલિસ કરો છો કે નહીં મને ખબર નથી, પણ અમારા ઋષિકેશ ભાઈ બેઠા છે, તમે પાછલા એક વર્ષની અંદર કેટલા યુવાનો મૃત્યુ પામ્યા તેનો હિસાબ કરો અને એનો સ્ટડી કરાવો, એમાં કેટલી મહિલાઓના મૃત્યુ થયા અને કેટલા પુરુષોના મૃત્યુ થયા, કેટલા યુવાનોના મૃત્યુ થયા એનું પણ એનાલિસિસ કરો। સબકો યે વેક્સિન લગવાઈ, કોરોના કે દોર મે ભી સરકાર પર યે આરોપ લગાએ જા રહે થે कि वैक्सीन का ट्रायल पूरा किए बिना ही उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तर्क दिए जा रहे थे कि किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए 2 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन 1 साल के अंदर ही सप्लाई कर दी गई। और अब जब इन साइड इफेक्ट्स की पुष्टि हो गई है तो मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली है। जनता के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश साफ देखा जा सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने पूरे देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया है।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन आरोपों पर क्या सफाई देंगे पीएम मोदी और इन वैक्सीन के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए अब क्या। दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। वैक्सीन गुरु ने थैंक यू बोल दिया, हाथ जोड़ लिए और कह दिया कि तुम्हारी जान तुम जान, हम जिम्मेदार नहीं है। वाह मोदी जी वाह। कल तक पूरा देश थैंक यू मोदी जी के बैनर से पटा हुआ था। मुफ्त वैक्सीन और थैंक यू मोदी जी के मुस्कुराते फोटो लगाने में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कोरोना काल में मरीजों को न ऑक्सीजन मिल रही थी और न एम्बुलेंस। वैक्सीन नहीं लगवाने पर राशन देने तक की पाबंदी लगा दी। तरह तरह के फरमान जारी हो रहे थे, तनख्वाह रुक जाएगी, पेंशन नहीं देंगे, ट्रेन फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाएगा, परीक्षा नहीं दे पाओगे, मार्केट मॉल में नहीं जाने देंगे, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, थैंक यू मोदी जी, ये बैनर जगह जगह टंगे हुए थे। अब कह रहे हैं लोग मरे तो मरे, हम क्या करें। दरअसल वैक्सीन लगवाने के बाद एक ही परिवार की दो बेटियों की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि वैक्सीन की वजह से उनकी बेटियों की मौत हुई है और फिर इंसाफ की आस लगाए परिवार ने मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया। लेकिन मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया गया वो आपके विश्वास को तार तार कर देगा। सरकार ने बड़ी बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, देश में अगर कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हो रही है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। वैक्सीन लगवाने के लिए कानूनी बाध्यता नहीं थी, जनता मर्जी से वैक्सीन लगवा रही है। लोग मरे या जिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन हमने नहीं तीसरी पार्टी ने बनाई। ये मोदी सरकार की पहली बेशर्मी नहीं है। हद तो ये है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार ने कह दिया, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के बारे में कहा गया, वो हमारे लिए मरे थे क्या, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब वैक्सीन से मौतों पर बोल गए, मौत के लिए हम जिम्मेदार नहीं। यही सच है, देश को चला रही मोदी सरकार अब किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। न महंगाई, न बेरोजगारी, न पढ़ाई और न ही दवाई। फिर भी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वैक्सीन गुरु का खिताब फर्जी सलाम पेश किया। यही न्यू इंडिया है। वैक्सीन आई तो ऐसा माहौल बनाया कि जो न लगवाए वो देशद्रोही है और आज मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रही है। सच तो ये है मोदी जी, जिम्मेदारी लेना हिम्मत का काम है और कागजी शेर कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। आप तो झोला उठाकर चल दिए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े। हम नहीं उठेंगे। अरे उठो भाई, नहीं उठेंगे। अरे बात को समझो, उठो। नहीं उठेंगे। अरे भाई उठो तो। कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे चाचा, आज 4 जून है, आज उठना पड़ेगा, किसी और को बैठाना है, उठो। अरे नहीं, हम 4 जून हो, 8 जून हम कुर्सी से नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अभी तक ये लोग हमको गाली देते थे, भाइयों बहनों, अब देखो हमको कुर्सी से भी हटा रहे हैं। भाइयों बहनों देखो, भाइयों बहनों, अरे नहीं 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 नहीं, हम नहीं हटेंगे, नहीं नहीं नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। भाइयों बहनों नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भाइयों बहनों देखो, कुर्सी से हटा रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे परिवार जनों, मेरे 140 करोड़ मित्रों, देखो देखो।